देबोलीना भट्टाचार्य को है राहुल वैद्य पर क्रश, और ये बात सुनने के बाद गर्लफ्रेंड दिशा परमार का आया है एक रिएक्शन। वेल, क्या कहना चाहती है दिशा परमार इस पूरे मामले को लेकर, सारी जानकारी आप सबके सामने लेकर आई हूँ। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। हेलो गाइज, मैं पूजा और आप देख रहे हैं फिल्म विंडो। तो यहाँ पर बात करेंगे देबोलीना भट्टाचार्य जी की। कहीं ना कहीं उन्होंने हिंट दे दिया है कि उनको क्रश है राहुल वैद्य पर। जिस तरीके से वो गाना गाते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है देबोलीना भट्टाचार्य जी को, और काफ़ी ज़्यादा वो पसंद करती है। अब इस सब मामले के बाद जो है, एक फ़ैन ने इस बात का जिक्र करते हुए दिशा परमार को टैग कर दिया, और दिशा परमार से जो है सवाल भी पूछ लिए। और इस पूरे सिचुएशन पर दिशा परमार का काफ़ी फनी सा रिएक्शन आया है। दिशा को यूज़र ट्वीट करते हुए लिखती हैं, देवो हैज़ अ क्रश ऑन राहुल, शी इनडायरेक्टली एक्सेप्टेड इन फ्रंट ऑफ राखी, एट द रेट दिशा परमार, सोच लो अंदर जाने का प्लान अभी भी कैंसिल। तो इस तरीके से उन्होंने सीधे तौर पर सवाल पूछ दिया है, क्योंकि खबर बहुत सारी है कि दिशा परमार को ऑफ़र हुई थी बिग बॉस के घर में जाने के लिए, लेकिन दिशा परमार बार बार मना कर रही है उस ऑफ़र को। उसके बाद ये फ़ैन पूछ रहे हैं, अब सोच लो बहुत सारे लोगों को जो है राहुल वैद्य पर क्रश हो रहे हैं, कहीं आपका पत्ता न कट हो जाए। उसके बाद दिशा परमार का काफ़ी फनी सा रिएक्शन आता है, और वो राहुल वैद्य को लेकर कहती हैं, लड़का काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है, और उन्होंने हंसने वाला इमोजी भी शेयर किया है। वेल, काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आई है जो दिशा परमार है वो, क्योंकि इनका जो लड़का है यानी कि इनका जो बॉयफ्रेंड है वो काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है, और ख़ास करके लड़कियों के बीच तो ये बहुत ज़्यादा अपने आप को स्पेशल फील करवाने की कोशिश कर रही है कि जिसके पीछे सब लोग वो मेरे पीछे। तो कहीं ना कहीं इनके माइंड में यही चल रहा होगा। वेल, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे सिचुएशन को लेकर, ज़रूर बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए टेक केयर।